नमस्कार। आज अपन बात करेंगे आखिर ये तालिबान है कौन है। पूरे विश्व में अभी चारों जगह इसी की चर्चा है, तालिबान तालिबान, और दिन ब दिन अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है, एक एक प्रांत को अपने कब्जे में लेते जा रहा है। आखिर ये तालिबान है कौन? और अफगानिस्तान पर इतने हमले हुए विदेशी देशों के द्वारा, लेकिन आज दिन तक अफगानिस्तान को कोई जीत क्यों नहीं पाया? अफगानिस्तान में अपनी सत्ता कोई क्यों नहीं जमा पाया? अभी लेटेस्ट अमेरिका ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया और कह रहा है कि 31 अगस्त तक अपनी सारी सेनाएं अफगानिस्तान से निकल जाएगी अमेरिका की। तो आखिर अमेरिका अफगानिस्तान से क्यों गया? क्यों हार मानी अमेरिका ने? क्या कारण रहा? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे तालिबान कौन है और ये क्या है। तालिबान पश्तो भाषा का एक शब्द है, पश्तो भाषा का, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी छात्र। मतलब जो ज्ञान लेने वाले छात्र होते ना, वो इसका अर्थ होता है तालिबान का, पश्तो भाषा। यह इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा रखते हैं। जो तालिबान में जो ज्वाइन करते हैं जो लोग हैं, वो एक इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा रखते हैं। मतलब उनका मकसद एक जो इस्लामिक जो कानून होता है ना, जो शरिया में होता है, उस कानून को लागू करना चाहते हैं उनके देश में। उनकी एक कट्टर विचारधारा होती है। यह इस्लामिक कट्टरपंथ आंदोलन है, मतलब इस्लामिक कट्टरपंथ के आंदोलन से यह पैदा हुआ एक तालिबान है। इसकी सदस्यता अधिकतर कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे लेते हैं। अधिकतर मतलब कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग इसकी कट्टरपंथ जो विचारधारा रखते हैं, वो तालिबान ज्वाइन करते हैं और तालिबान की सदस्यता लेते हैं। कहते हैं इसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान से हुई। दक्षिणी अफगानिस्तान से 1994 में इसकी शुरुआत हुई, फर्स्ट इसकी शुरुआत हुई थी। तालिबान शरिया कानून के मुताबिक आम पब्लिक पर काफी प्रतिबंध लगाते हैं। जो तालिबान ज्वाइन करते हैं, और पहले भी तालिबान का शासन था अफगानिस्तान पर, अभी लेटेस्ट भी तालिबान कब्जा कर रहा है और अधिकतर प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। तो तालिबान जो इनका मुख्य उद्देश्य है, जो शरिया कानून के अंतर्गत जो कानून आते हैं वो उसके ऊपर पब्लिक क्यों को लागू करना चाहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे पुरुषों की दाढ़ी बड़ी हुई होनी चाहिए, जो पुरुष होते हैं ना उनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन शेव नहीं होनी चाहिए, उनके ये बिल्कुल कट्टर प्रतिबंध है स्ट्रिक्टली। और महिलाएं हमेशा बुरके में ही रहनी चाहिए, ये भी उनके तरीके, महिलाएं कभी खुले में नहीं घूमनी चाहिए, ये उनका मतलब एक कानून का मतलब स्ट्रॉन्ग कानून रखते हैं कि महिलाएं सिर्फ बुरके में ही रहनी चाहिए। टीवी म्यूजिक सिनेमा, यहाँ तक कि वो टीवी म्यूजिक और सिनेमा पे भी प्रतिबंध लगाते हैं। मतलब कोई भी जो औरत है, कोई भी लड़की है, वो टीवी म्यूजिक या सिनेमा में नहीं आ सकती है, उनके ऊपर कट्टर प्रतिबंध, इतना मतलब वो प्रतिबंध लगाते हैं। अब अपन देखेंगे अफगानिस्तान को कोई जीत क्यों नहीं पाया। आखिर अफगानिस्तान ऐसा क्या देश है जो समय समय पर इस पर हमले हुए, समय समय देश ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन वो जो देश थे वो मतलब वहाँ रह क्यों नहीं पाए? उन्होंने आखिर क्यों छोड़ा उस देश को? आखिर ऐसा क्या रीजन रहा था? देखिए, यह देश ईरान, मध्य एशिया और भारत के बीच मुख्य जमीनी रास्ता है। मतलब इस देश का मुख्य जमीनी रास्ता मतलब बहुत सकड़ा रास्ता और मतलब ऐसे रास्तों से होकर गुजरता है। मतलब ऐसा देश मतलब ऐसी जगह स्थापित है कि हर कोई उस देश पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, और आक्रमण तो नहीं कर पाएगा, उस देश पर राज नहीं कर पाएगा, ऐसा मतलब संकीर्णी जगह पर यह देश बसा हुआ है। कहते हैं कई बार हमला हुआ इस देश पर, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान पर कितने देशों ने हमला किया, लेकिन कई बार हमला होने के कारण इसका हर गाँव हर घर एक किले के रूप में तब्दील है। मतलब वहाँ के लोग आदि हो चुके हैं हमलों के रूप में। अपना देख मकान, अपने गांव में मकान तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, अपनी जगह बहुत ही, लेकिन वहाँ जो अफगानिस्तान में जो मकान और गांव है ना, वो एक किले के रूप में तब्दील है। उनको पता है कि हमारे देश में कभी भी हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने घर को और गाँव को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया, और उनको पता है कि हमें कभी भी किसी से भी सामना करना पड़ सकता है। इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र है, मतलब अफगानिस्तान की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ है ना, बड़ी विचित्र है। एक तरफ हिमालय की बड़ी बड़ी बर्फीली चोटियाँ, और कहते हैं कि यह देश मुश्किल रास्तों के बीच बसा हुआ है। अब कैसे बसा है? एक तरफ हिंद कश की बर्फीली ऊंची चोटियाँ, हिंद कश की बर्फीली ऊंची चोटियाँ एक तरफ तो, और दूसरी तरफ पामीर की पहाड़ियाँ, कई सर्वे में बात निकल के आई कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। कितनी बार उन्होंने सर्वे किया है लोगों ने,
और बड़ी बड़ी न्यूज़ जैसे कि अफगानिस्तान पर अगर कब्जा करना है तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हर कोई वहाँ अफगानिस्तान में न रह पाता है क्योंकि वो देशी बसावट भी उस देश की ऐसा है। अब अपन आगे जाने के लिए आखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान क्यों छोड़ा, क्या रीजन रहा था अमेरिका वहाँ से निकला और अपनी सारी सेनाएं वहाँ से निकाली, क्या कारण रहा था, आइए देखते हैं। जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला हुआ, यह हमला 9/11 तो आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर जब प्लेन से हमला हुआ तो पूरा विश्व सदमे में आ गया, शोक में आ गया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति पर भी कोई हमला कर सकता है, और तकरीबन 2,500 नागरिकों की मौत हुई थी उस हमले में। मतलब अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया था, ऐसा हमला था। फिर अमेरिका ने अक्टूबर में अफगानिस्तान पर हमला किया, इसका मकसद था तालिबान को बेदखल करना। अफगानिस्तान पर उस वक्त तालिबान की सत्ता थी, क्यों बेदखल करना था, क्योंकि जो इस हमले का जो मास्टरमाइंड था ना ओसामा बिन लादेन, उसको अफगानिस्तान में पनाह दी गई और तालिबान ने पनाह दी गई, इसलिए अमेरिका का मुख्य अपराधी था ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका पर ऊपर हमला किया था, तो उसको खत्म करना था। उसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, पनाह दी थी। 10 साल बाद 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबोटाबाद में लादेन को मारा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया पूरा अफगानिस्तान को छान मारा, लेकिन ओसामा बिन लादेन को देखा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे अमेरिका मार देगा, तो वह जाके अफगानिस्तान से निकल गया ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के एबोटाबाद में जाके छुप गया, लेकिन अमेरिका वहाँ पे पहुँच गया पाकिस्तान में और 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। उसके बाद भी 10 साल तक 2021 तक देखिए अमेरिका अफगानिस्तान पर तालिबान को हटाता रहा, लेकिन क्या तालिबान को पराजित कर पाया? अमेरिका उसके बाद भी 10 साल अफगानिस्तान में और रहा, लेकिन क्या तालिबान को हटा पाया? नहीं। जब वो वहाँ जब तक उस देश में था तब तक तालिबान कमज़ोर था, और जैसे उस तालिबान अफगानिस्तान से अमेरिका निकलने लगा और आज की स्थिति आप जानते हो, तालिबान ने वापस अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 20 साल चले इस युद्ध में अमेरिका के, देखिए अब अमेरिका ने क्या खोया, क्यों गया अमेरिका अफगानिस्तान से, उसका रीजन देखिए, ये 6 कारण देखिए। अमेरिका ने 3,000 सैनिक खोए 20 साल चले इस युद्ध में, और इसके अलावा अफगान सैनिक और नागरिकों की संख्या अगर आप मिलाओ तो 5 लाख है। अफगान सैनिक और नागरिकों को मिला दे तो 5 लाख लोगों की मौतें हुई वहाँ पे 20 सालों में, और अमेरिका ने अपने 3,000 सैनिक खोए वहाँ पे। इसके बाद एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसने रिसर्च किया कि अमेरिका ने 384 लाख करोड़ खर्च किए इस युद्ध में। अब आप देख दो 384 लाख करोड़ 20 साल में अफगानिस्तान में खर्च कर दिए। अमेरिका इतना भी महाशक्ति, इतना भी पावरफुल और इतना भी आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश नहीं कि इतने लाखों करोड़ों रुपए एक छोटे से देश पर खर्च किया जाए और जिसका कोई आउटपुट ना हो, सिर्फ जाना ही जाना रहो, तो अमेरिका को तो नुकसान होना ही है आर्थिक रूप से। अमेरिका को अब समझ आया कि सैन्य ताकत के बल पर किसी को जीता नहीं जा सकता। अमेरिका को अफगानिस्तान में रहते रहते 20 साल हो गए, लेकिन उनको ये महसूस हुआ कि सैन्य ताकत से किसी भी देश पर कब्जा नहीं जमाया जा सकता है। 4th, बेतासा सैन्य खर्च से अमेरिका में असमानता, गरीबी और सामाजिक टकराव बढ़ने लगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, उसके बाद खुद अपने देश में असमानता, गरीबी और सामाजिक टकराव के मुद्दे उठने लगे, उनको गरीबी का फील होने लगा, एक दूसरे से सामाजिक टकराव होने लगा, तो उनको महसूस होया कि यार अपन वहाँ अफगानिस्तान एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं और अपन को अब मौका समय आ चुका है कि वहाँ से निकलना चाहिए, तो इस कारण से अमेरिका वहाँ से निकला। 5th, अमेरिका के लोकतंत्र पर इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अमेरिका के जो लोकतंत्र है ना, अमेरिका के वहाँ के जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, उन्होंने भी कितनी बार अमेरिका की आलोचना की कि अफगानिस्तान से अमेरिका को निकल जाना चाहिए, ये फालतू के जो पैसे खर्च कर रहा है अफगानिस्तान और अपना समय बर्बाद करना कर रहा है, तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मतलब लोकतंत्र के ऊपर उसके नकारात्मक एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। 6th, एशिया में चीन और भारत के उभार के बाद अमेरिका इतनी महाशक्ति नहीं रहा। एक टाइम था जब एशिया में चीन और भारत भी इतने शक्तिशाली नहीं थे, तो अमेरिका हमेशा अपने एशिया में दबदबा समझता था, लेकिन आज भारत और चीन भी एक
पूरे विश्व में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो अब चीन को समझ में आया कि एशिया में मेरा इतना दबदबा नहीं है, क्योंकि चीन और भारत भी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो ये 6 कारण रहे अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने को। उसको खुद को महसूस हुआ, लाखों करोड़ों रुपए भी उसने खर्च कर दिए। उसके बाद में उसको लगा कि यार अफगानिस्तान में एक सैन्य ताकत के बदले अपन राज नहीं कर सकते हैं, तो अपन को निकलना ही बेहतर रहेगा। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।